टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। बाढ़ ग्रस्त इलाकों के मदद के लिए मुमरा के लोग भी अब हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। कोसा कोकन फाउंडेशन ने कैंप का आयोजन किया, जिसमें आप बारिश और बाढ़ से तबाह हुए रायगढ़, चिपलून, अन्य कोकन इलाकों में इस कैंप में पैसा, कपड़े, मेडिसिन, अन्य चीज़ें देकर आप भी मदद कर सकते हैं। इस कौसा कोकन फाउंडेशन के अध्यक्ष जमील सुरमे और तमाम मेंबर नासिर बुबेरे, अल्ताफ खलीफे, नाजिम बुबेरे, सलाहुद्दीन ढोले ने लोगों से इस कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात कही है, ताकि लोगों की मदद की जा सके। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अगर आप बैंक के ज़रिए मदद करना चाहते हैं तो कौसा कोकन फाउंडेशन का जो बैंक अकाउंट है उसका जो है पूरी डिटेल हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहे हैं, आप इसमें जाकर डिटेल ले सकते हैं। ये कैंप रविवार को रहेगा, आज इसका पहला दिन था शनिवार का, और रविवार को भी इस ये कैंप कौसा जामा मस्जिद के सामने लगाया जाएगा, और सोमवार के दिन जो भी इनके पास मदद के लिए सामान, पैसे, मेडिसिन, खाने पीने की चीज़ें इकट्ठा होती है वो सोमवार के दिन यहाँ से लेकर रवाना होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमीर सुरमे है और मैं कौसा कोकनी फाउंडेशन से हूँ, और कौसा कोकनी फाउंडेशन की तरफ से हमने कोकन फ्लड रिलीफ कैंप लगाया है। अभी आपको पता तो होगा ही कि ईद उल अदा के दिन कोकन के कुछ इलाकों में पानी भरना शुरू हुआ था, और वो इतने लेवल तक भर गया कि लोगों के घर डूब गए, वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से बंद है और नेटवर्क्स भी गायब है, लोगों से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, और इतना हाईली इफेक्टेड है कोकन के कुछ इलाके, स्पेशली चिपलून और महाड़ के पास राजेवाड़ी एक गांव है, ये बहुत ज़्यादा हाईली इफेक्टेड एरियाज है। तो हमने ये फ्लड रिलीफ कैंप जो लगाया है उसका हमारा खास मकसद यही है कि वहाँ के लोगों के राहत के लिए हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ाम कर सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। हमने वहाँ के लोकल लोगों से संपर्क करने की कोशिश की तो हमको कुछ ऐसी मालूमात आई कि जैसे वहाँ पर खास करके पीने की पानी की बहुत किल्लत है, दूध की कमी है, फूड ग्रेन्स की कमी है, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स की कमी है, मेडिसिंस की कमी हो रही है। तो हम इन सब चीज़ों को ज़्यादातर टारगेट कर रहे हैं कि ये चीज़ें हम जल्द से जल्द उन लोगों तक पहुँचाएँ। और सिर्फ हमारी एक तंजीम मुमरा में काम नहीं कर रही है, मुमरा में और भी कई तंजीम्स काम कर रही है, और हमने WhatsApp पे, Facebook पे हमारे अकाउंट डिटेल्स भी शेयर किए हैं, दूसरे तंजीमें भी काम कर रही है। मुमरा के लोगों से हमारी गुजारिश है, या जो भी लोग हमको सुन पा रहे हैं, जिन तक हमारी आवाज़ पहुंच पा रही है, उन सभी लोगों से गुजारिश है, ना कि सिर्फ हमारे कमेटी के ज़रिए से, किसी भी कमेटी के ज़रिए से आप उन तक राहत का रिलीफ मटेरियल पहुँचाइए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ के लोगों को, बहुत ज़्यादा परेशान हाल है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। तो मेरी लोगों से गुजारिश है कि जो बैंक अकाउंट के जरिए से मदद कर सकते हो वो बैंक के जरिए से करें, या फिर हमारी कमेटी की तरफ से जो कैंप लगा हुआ है फ्लड रिलीफ कैंप, वो कौसा जामा मस्जिद के बिल्कुल ऑपोजिट में मदीना सिल्वर फॉक रेस्टोरेंट के बाजू में ही लगा है। जिन हजरात को ताउन करना है वो यहाँ पर आकर अपना ताउन कर सकते हैं।